हेलो एवरीवन, आज अपन जूलॉजी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं संघ एनेलिडा के बारे में। हमने अब से पहले जो है 6 संघों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज अपना संघ है एनेलिडा और इसके बाद में जो है अपने 3 संघ और रह जाते हैं। उन तीनों संघों के अध्ययन करने के बाद में अपना जो है लगभग 25% सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे करके अपन जूलॉजी के सिलेबस को एकदम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि अपन जो है अध्ययन जो कर रहे हैं, जितना भी अपन यहाँ पर बोर्ड पे पढ़ेंगे समझेंगे, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। दिक्कत लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ मैं हर क्लास के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, बात करें संघ एनेलिडा के बारे में, तो इसका बेसिक सा मैं आपको बताऊँ कि ये एनेलिडा शब्द किसने दिया है, ये एनेलिडा शब्द दिया किसने हैं, कौन से साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसका नाम एनेलिडा दिया है। इसका एनेलिडा नाम जो है एन्यूल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नाम क्या दिया, एनेलिडा दिया, ठीक है। और एनेलिडा जो नाम एन्यूल ने दिया, बाकी इसके स्थापना करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लैमार्क थे। कौन थे, लैमार्क थे। और लोनियस नामक वैज्ञानिक थे, कौन, लोनियस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि जो कोमल एवं मुलायम प्रकार के कृमि थे, जो कोमल एवं मुलायम प्रकार के जो कृमि थे, अब उनमें जैसे कि गोल कृमि आ सकते हैं, फीता कृमि आ सकते हैं, उन सबको जो है एक संघ बनाया और उसके अंदर जो है उन्होंने रख दिया, ठीक है। जिस संघ या समूह का नाम उन्होंने दिया क्या, वर्मिस, वर्मिस नाम दिया। लोनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो कृमि जीव जंतु थे उनको क्या किया, एक समूह बनाया और उसके अंदर जो है उन्होंने उनको रख दिया, जिस समूह का नाम था वर्मिस। फिर अपने जो है क्या होते हैं, एन्यूल साहब आते हैं और उन्होंने क्या है, एन्यूलिडा शब्द दिया, एनेलिडा। और इस संघ की स्थापना करने वाले अपने जो है कौन थे, लैमार्क थे। स्थापना करने वाले कौन थे, लैमार्क थे। ध्यान रखना, एनेलिडा संघ की स्थापना करने वाले लैमार्क थे और इसका नाम जो है देने वाले कौन थे, एन्यूल थे। कौन थे, एन्यूल थे। यहां तक क्लियर, इसके बारे में ये 3 चीजें अपन को पता होनी चाहिए। फिर बाद में अपन इसके जो है लक्षण कैरेक्टर्स देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर इसके हानिकारक प्रभाव और लाभदायक महत्व देखेंगे। तो यहां तक सबका क्लियर। अब अपन बात करें कि इस जीव या फिर इस संघ के जो सदस्य हैं वो कौन से आवास में पाए जाते हैं, उनके शरीर की सममिति जिसे हम बोलते हैं सिमेट्री कैसी होती है, और इनके मेन लक्षण क्या क्या हैं, ये अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो हैं एनेलिडा, ये त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। अब त्रिस्तरीय ये होते हैं तो भाई वो स्तर कौन कौन से हैं, तो देखो मैंने बताया कि त्रिस्तरीय होते हैं। अब त्रिस्तरीय है इसका मतलब कि इसके अंदर एक्टोडर्म के बाद में एंडोडर्म, और एंडोडर्म के बाद में आपके मिसोडर्म जो है, ये तीनों स्तर जो है इनके अंदर पाए जाते हैं। और अगर ये तीनों स्तर इनके अंदर पाए जाते हैं तो इनमें जनन किस प्रकार का होगा, लैंगिक प्रकार का होगा। जो एनेलिडा संघ के सदस्य हैं उनमें किस प्रकार का जनन होगा, लैंगिक प्रकार का जनन होता। अब इस संघ की मैं एक खासियत आपको बताऊं कि इसमें जो नर और मादा होते हैं
वो दोनों जो है क्या होते हैं, एक ही जीव के अंदर देखने को मिलते हैं, अर्थात उभयलिंगी जो है ये होते हैं। ठीक है, ये अपन अध्ययन करेंगे अच्छे से। पहले अपन देखते हैं इनके मेन कैरेक्टर्स, जो कि इनके मुख्य लक्षण हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बीएससी में 85% मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि मैंने खुद ने जो है बीएससी की है और उसमें जो मैंने पढ़ा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। अब स्टार्ट करें अपन इनके कैरेक्टर्स के बारे में, लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहले इनका जो है आवास अपन देखेंगे। आवास यानी कि कौन कौन से स्थान हैं जहां पर ये पाए जाते हैं और इनका आवास किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो ये जो हैं समुद्रीय होते हैं, अर्थात इनका जो रहने का घर है या आवास है वो कहां पर, समुद्र में पाया जाएगा। और अलवणीय जल के अंदर भी ये पाए जाते हैं, एंड स्थलीय और कुछ बिलों में रहने वाले परजीवी भी होते हैं। अर्थात यहाँ से समझना आप कि ये समुद्र में भी पाए जाते हैं और अलवण जल में भी पाए जाते हैं और स्थल के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, और कुछ जो हैं एनेलिडा संघ के सदस्य बिलों में रहने वाले होते हैं जो कि परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, अर्थात किसी दूसरे जीवन पर जो है वो दूसरे के जीव पर जो है डिपेंड करते हैं उनका जीवन काल। ठीक है, समझना यहाँ पर आवास इनका समुद्रीय होता है, अलवणीय होता है, स्थलीय होता है और कुछ बिलों में रहने वाले परजीवी भी जो है इस संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ये इनका आवास हो गया। नेक्स्ट मैं बात करूँ सम्मिति, इनके जो शरीर की सिमेट्री है, सम्मिति है, वो कैसी होती है? तो वो होती है द्विपार्श्वीय सम्मिति। कैसी होती है? द्विपार्श्वीय सम्मिति होती है। और त्रिकोण की ये होते हैं, कैसे होते हैं? त्रिकोण की होते हैं और द्विपार्श्वीय सम्मिति इनके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं इनके अंदर जो इनके संघ के सदस्य हैं, एनेलिडा संघ के सदस्य हैं, इनके अंदर स्पष्टतः खंड आपको देखने को मिलेंगे। अब खंड का मतलब ये है कि ये मानो मैंने कि किसी जीव का जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के अंदर जो है आपको यहाँ पर खंड दिखाई दे रहे हैं। और अब इन खंडों को अपन को जो है क्या बोलना पड़ सकता है? मेटामेरिक खंडी भवन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेटामेरिक खंडी भवन इनको बोल सकते हैं। और यहाँ पर वास्तविक खंडी भवन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डायग्राम में भी, कि एक वास्तविक खंड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर देखो तो आपने देखा होगा कैचुआ, कैचुआ आपने देखा है तो उसके अंदर भी आपको खंड दिखाई देंगे। और ये डायग्राम जो है ये भी किसका है? कैचुए का है, ध्यान रखना। आपके समझ में आया इनके जो है लक्षणों में आवास। अब मैं बात करूं इनके शरीर के बारे में कि इनकी जो बॉडी होती है वो किस तरीके की होती है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो देहभित्ति प्रकार की होती है। कैसी होती है? देहभित्ति प्रकार की होती है। और देहभित्ति में क्यूटिकल, एपिडर्मिस व पेशीय स्तर पाया जाता है। अर्थात देह भित्ति जो होती है उसमें क्यूटिकल की परत भी होती है, एपिडर्मिस भी होते हैं और पेशीय स्तर भी जो है पाया जाता है। अब ये पेशीय स्तर क्या है इसे अपन देखेंगे। देखो पेशीय स्तर का मतलब ये है कि अगर ये शरीर को जो है यहां से आगे बढ़ाते हैं तो वो पेशी यो के द्वारा भी आगे की ओर गति करता है। अब यहां से आगे अगर ये करेंगे तो ये पूरा शरीर जो है पिछला ये सिकुड़ के जो है आगे आ जाएगा, एक पेशी की तरह जो है आगे सिकुड़ के चलेगा। इस तरीके से आपने देखा हो तो यहां पर फिर ये
जो अगला हिस्सा है इसका मुंह है ये तो चले जाएगा आगे, और ये जो पिछला हिस्सा है ये इतना रह जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, पेशीय स्तर जो है इन संघ के सदस्यों में पाया जाता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं ऑर्गन सिस्टम, अर्थात इनके जो है अंग तंत्र किस प्रकार का होता है। इनके अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो एक संपूर्ण आहारनाल इनके अंदर देखने को मिलती है, जो कि सरल प्रकार की आहारनाल अपन को देखने को मिलती है। अब जो ऑर्गन सिस्टम है अगर ये किसी जीव के अंदर है तो कंप्लीटली बात है कि उसके अंदर मुख एवं गुदा तो उपस्थित होगी, एंड ऑर्गन सिस्टम यहां पर पाया जा रहा है तो यहां पर यह भी आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होंगे। अब ये तो फिक्स है कि इस जो है संघ एनेलिडा संघ जो है इसके सदस्यों में तंत्रिका तंत्र तो अपन को देखने को मिलेगा, न्यूरॉन सिस्टम जो होता है वो देखने को मिलेगा, परंतु वो किस प्रकार से जो है होगा वो अपन यहां पर अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं बात करूं कि जो इनका शारीरिक संगठन है वो ऑर्गन सिस्टम प्रकार का होता है, यहां पर मैंने लिखा भी है ऑर्गन सिस्टम प्रकार का शारीरिक संगठन जो है इनमें पाया जाता है। बाकी हमने पीछे पढ़ा उनके अंदर जो है ऊतकीय संगठन प्रकार का, कोशिकीय संगठन प्रकार का अपन ने जो है शरीर पढ़ा था। नेक्स्ट मैं बात करूं पाचन जो है इनके अंदर एनेलिडा संघ के सदस्य है इनमें पाचन कैसा होता है, बहिकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है। अब बहिकोशिकीय प्रकार का पाचन जो है एनेलिडा संघ के सदस्यों में जो है अपन को देखने को मिलता है। तो पाचन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें आहारनाल जो होती है वो कैसी होती है, सरल प्रकार की होती है और लंबी नलिकाकार होती है, वह पूर्ण विकसित होती है। क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। इनमें मुख यहां पे होता है और गुदा यहां पर होता है। तो भोजन जो है यहां से इस प्रकार से गमन करते हुए गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब उस भोजन की जो आंतरिक क्रिया इसके शरीर में होगी, उस भोजन का पाचन होगा, वो पाचन यहां से स्टार्ट हो जाता है और यहां पे जाके वो खत्म होता है। अर्थात इनके जो आहार नाल होती है वो लंबी होती है, जितनी इनकी लंबाई होगी उतनी लंबी जो है इनकी आहार नाल अपन को देखने को मिलेगी। एंड पूर्ण विकसित होती है, कैसी होती है, पूर्ण विकसित प्रकार के इनके अंदर आहार नाल अपन को देखने को मिलती है। अब बात आती है कि ये भोजन जो है किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, तो भोजन जो है ये चूसक यहां पर दे रखे हैं, चूसकों के आधार पर जो है ये भोजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अब ये तो है आपके केचुए का डायग्राम। अब अपन इसके भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया को समझे तो मैं नेरिस का यहां पर चित्र आपके सामने बनाऊंगा, उससे अपन देखेंगे कि जो है इनके मुख तक जो है भोजन का अभाव कैसे होता है और भोजन को किस प्रकार से ये ग्रहण करते हैं। मैं इसी डायग्राम को जो है, ये केचुए का डायग्राम था, बाकी आपको मैंने पहली क्लास से यही बोला है कि आपको जो है प्रत्येक संघ के सदस्यों का डायग्राम गूगल पे जाना है और 3D वे में देखना है, जिससे कि अपने अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर जो है इस प्रकार से बना देता हूं मैं मुख, और ये जो है ये क्या है, इसके स्पर्शक हैं, क्या है, स्पर्शक हैं, और ये यहां पर चूसक हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो है नेरिस का डायग्राम हो जाएगा, ये नेरिस का। अब जो ये भोजन ग्रहण करते हैं वो सबसे पहले जो ये स्पर्शक होते हैं ये भोजन का जो है जीव को पता करने के लिए काम में देते हैं स्पर्शक। जैसे मान लो ये यहां पर स्पर्शक हैं छोटे छोटे और यहां पर कोई भोजन है तो ये इसके टच होने पर जो है ये जीव जो है इसको पता चल जाता है कि ये क्या है, भोजन है। अब इसको ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं चूसकों की सहायता से। कैसे, डायरेक्ट भोजन को निगलते नहीं है, जिस प्रकार से प्रोटोजोआ में अमीबा करता था। अमीबा क्या होता था, अमीबीय जो है पाचन किस तरीके से होता है,
इस तरीके से अमीबा होता है, यहाँ पर भोजन है, तो ये अमीबा जो है इसको पूरे को जो है अपने चारों तरफ लेके बीच में ले लेता है और फिर इसका पाचन करता है। उस तरीके से इसमें नहीं होता, इसमें स्पर्शकों के माध्यम से पता चल जाता है कि भोजन है और फिर चूसकों के द्वारा इस भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है और फिर वही प्रक्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है और गुदा के द्वारा जो है मल त्याग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनका जो है क्या होता है, पाचन तंत्र होता है और भोजन करने का जो है प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट इनमें गमन किस प्रकार से होता है, तो गमन देखो ये स्पर्शक हैं, ये भी गमन करने में सहायक होते हैं, चूसक हैं ये भी गमन करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि चूसक हैं, इनकी सहायता से भी जो है ये क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं, स्पर्शक भी सहायता होते हैं और पैरापोडिया के द्वारा भी ये क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। सीटी इनके अंदर उपस्थित होती है और पेशियाँ इनके अंदर उपस्थित होती है। तो सीटी, पेशिया, चूसक और पैरापोडिया के द्वारा जो है ये गमन करते हैं। इस संघ के सदस्य गमन किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, चूसकों के द्वारा करते हैं, पेशियों के द्वारा करते हैं, सीटी के द्वारा करते हैं और पैरापोडिया के द्वारा ये क्या करते हैं, गमन करते हैं। अब पेशियों के द्वारा जो है गमन कैचुए के अंदर देखने को मिलेगा और स्पर्शक, सीटी और पैरापोडिया के द्वारा गमन जो है नेरिस में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और जो अपन इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एनेलिडा में क्लासिफिकेशन, अपन चरैक्टर्स को नॉर्मल, इनके चरैक्टर्स अपन लक्षण देख रहे हैं, मुख्य लक्षण है, हालांकि इनको नॉर्मली तरीके से अगर किसी को याद होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अपन को अच्छे से जो है पढ़ना है किसको, इसके क्लासिफिकेशन को। और क्लासिफिकेशन किया गया है इनके सीटी के आधार पर, सीटी के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है इनका क्लासिफिकेशन अपन को देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूं इनके रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में, तो भाई रुधिर परिवहन तंत्र इनमें उपस्थित होता है, तभी मैंने बात की रुधिर परिवहन तंत्र की, ठीक है। अब रुधिर परिवहन उपस्थित तो होता है परंतु किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का परिसंचरण इनके अंदर पाया जाता है। रुधिर परिवहन किस प्रकार का होता है, बंद प्रकार का, संग एनेलिडा के सदस्यों में रुधिर का परिवहन होता है। एवं जो श्वसन वर्णक होते हैं, ये श्वसन की क्रिया होती है इनमें, और श्वसन वर्णक जो होते हैं इनके रूप में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है उपस्थित होता है या फिर पाया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, रुधिर परिवहन तंत्र इनमें बंद प्रकार का होता है एवं श्वसन वर्णक के रूप में क्या होता है, हीमोग्लोबिन रहता है। अपनी बॉडी के अंदर भी जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं और अपने शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल कितनी होती है, 13 अपन मान सकते हैं, ठीक है। और देखो मानव शरीर की मैं बात करूं तो अपने शरीर में जो परिसंचरण होता है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भरपूर मात्रा में होती है, और जो परिसंचरण होता है रक्त का उसके अंदर अपने जो है न्यूट्रिएंट अर्थात पोषण भी उपस्थित होते हैं जो कि परिवहन के माध्यम से अपने कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और फिर कोशिकाओं के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा जो है पाचन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर भी होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं एनेलिडा के उत्सर्जन के बारे में, तो उत्सर्जन जो है यहां पर इनके अंदर क्या होता है, खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलियां पाई जाती हैं। क्या होता है, खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलियां पाई जाती हैं जिन्हें अपन व्रक या फिर नेफ्रेडिया, जिन्हें अपन क्या, व्रक या फिर नेफ्रेडिया नाम जो है यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। उत्सर्जन क्या होता है, इनके अंदर जो है मैंने लिखा भी है खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलियाँ पाई जाती हैं, खंडीय रूप से विन्यासित कुंडलियाँ पाई जाती है जिनके द्वारा क्या होता है, इनके अंदर उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है संवेदांगों में स्पर्शक, पैल्प, लेंस युक्त नेत्र, लेंस युक्त नेत्र, पैल्प और स्पर्शक किस में पाए जाते हैं, संवेदांगों में पाए जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया जो संवेदांग होते हैं इनके, उनसे ही ये महसूस करते हैं कि आगे क्या है, भोजन है जिसको अपन को ग्रहण करना है, ठीक है।
और लेंस युक्त नेत्र भी इनके संवेदांगों में ही अपन को देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर नेत्र भी लिख सकता हूँ, ये जो इसके संवेदांग हैं इनके अंदर नेत्र भी अपन लिख सकते हैं, स्पर्शक जो होते हैं उनके अंदर ही पाए जाते हैं। और फिर मैंने लिखा जनन जो है, मैंने पहले भी चर्चा की इनमें किस प्रकार का जनन होता है, इनके अंदर जनन जो होता है वो लैंगिक प्रकार का होता है, अर्थात इनके जो जीव होते हैं वो एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी भी होते हैं। अब अपन को इनके अंदर पढ़ना है केचवे का जनन तंत्र, नेरिस के बारे में विस्तृत जानकारी एनेलिडा संघ के सदस्यों में अपन ने देखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से नहीं आएगा कि एनेलिडा संघ के सामान्य लक्षण लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संघ एनेलिडा के सदस्य केचवे के बारे में विस्तृत या फिर विस्तार से लिखिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो उसको अपन को कैसे करना है ये अपन देखेंगे। उससे पहले मैं बताऊं तो यहाँ पर जो है इनके जो संवेदांग होते हैं उनके अंदर प्रकाश ग्राही कोशिकाएं तथा स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं। मैंने फिर से आपको बताने की कोशिश की कि इनके जो संवेदांग होते हैं इनके अंदर ही सब कुछ होता है, इनसे ही ये भोजन ग्रहण करते हैं ये मान लो, और इनके अंदर जो है प्रकाश को ग्रहण करने की जो क्या होती है क्षमता होती है, जो कि किनके द्वारा होती है, प्रकाश ग्राही कोशिकाओं के द्वारा होती है, और भोजन का स्वाद भी ये क्या है इनसे ही जो है पता करते हैं संवेदांगों से। और एक है कि पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें अपार पाई जाती है, और परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का इनके अंदर होता है। संघ एनेलिडा के ये जो अपन ने पढ़े ये मुख्य लक्षण थे। अब अपन संघ एनेलिडा के जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, सभी संघों के क्लासिफिकेशन से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे संघ एनेलिडा के जो है वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है ये अपन यहाँ पर देखेंगे। वर्गीकरण जो इनका होता है वो चार प्रकार का होता है, अर्थात इनको चार वर्गों में जो है बांटा गया है। संघ एनेलिडा जो है उस संघ के सदस्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है, चार वर्गों में बांटा गया है। और ये क्लासिफिकेशन इनका है वो किस आधार पर किया गया है ये अपन देखेंगे। तो पहला वर्ग है ओलिकीटा, दूसरा वर्ग है ओलिगोकीटा, और तीसरा वर्ग है वर्ग हिरुडीनिया जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चौथा है अपना वर्ग आर की ए नोलिडा। इस प्रकार से जो है ये चार वर्ग हैं, और जो है इनके वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन जो है वो किसको आधार मानकर किया गया है, सीटी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण किया गया है। और अपन पढ़ रहे हैं इनका क्या वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अब देखो अपन बात करें कि किसके अंदर कौन से वर्ग में सीटियाँ उपस्थित होती हैं और कौन से वर्ग में अनुपस्थित होती हैं, और किस वर्ग के अंदर गमन किनसे होता है, और इनके एग्जाम्पल तो मैंने लिख दिए हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि सीटियाँ किस में उपस्थित होती हैं। तो देखो इनके अंदर क्या होता है, पार्श्व पाद उपस्थित होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, वर्ग पोलिकीटा के अंदर क्या होता है, पार्श्व पाद उपस्थित होते हैं, और पैरापोडिया एवं सीटियां उपस्थित होती हैं, और ये जो सीटियां होती हैं ये पैरापोडिया पर लगी हुई होती हैं, ठीक है। ये वर्ग पोलिकीटा की मैं बात कर रहा हूँ कि जो पैरापोडिया होते हैं उन पर क्या होती हैं, सीटियां लगी हुई होती हैं, और इन दोनों के द्वारा ही जो है इनमें क्या होता है, गमन होता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ इस तरीके से लिखना है कि संघ एनेलिडा का जो क्लासिफिकेशन है वो सीटियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर किया गया है, और इनको चार भागों में जो है
या फिर चार वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग फर्स्ट है पोलिकीटा, वर्ग सेकंड है ओलिगोकीटा, वर्ग थर्ड है हिरुडीनिया और वर्ग फोर है आर्किएनोलिडा। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आप आएंगे वर्ग फर्स्ट के ऊपर और इसके बारे में लिखना है कि वर्ग पोलिकीटा के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है, पार्श्वपाद उपस्थित होता है और पैरापोडिया पर जो है सीटियाँ उपस्थित होती है और इनके अंदर गमन पैरापोडिया एवं सीटियों की सहायता से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो नेरिज, किटेप्टोरस एवं पोलिनोई, ये तीन इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें से ये नेरिज जो है इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और नेरिज के बारे में आपको पता करना है, एक बार नेरिज का डायग्राम आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट वर्ग का काम खत्म। अब मैं बात करूँ वर्ग नंबर सेकेंड के ऊपर। देखो अपन जो पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं, बाकी फालतू की रामायण अपन देख नहीं रहे, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से उनको देख रहे हैं। आपके सिलेबस को लगभग कंप्लीट अपन कर रहे हैं और ज़्यादा रामायण इसके बारे में पढ़ोगे कि वो किताबी भाषा हो जाती है। फिर किताबी भाषा पढ़नी है तो आप पढ़ना, मैं आपको PDF दूंगा, उनके अंदर देखना इनके बारे में विस्तार से दे रखा है। परंतु अपन को यहाँ पर देखना है इनके बारे में मुख्य बिंदु एवं मेन लक्षण जो है वर्ग फर्स्ट के क्या है। अपन को क्लासिफिकेशन सिर्फ सीटियों के आधार पर करना है। तो यहाँ पर देख लिया अपन ने, पैरापोडिया पर सीटें उपस्थित होती है वर्ग पोलिकीटा के अंदर और गमन भी इनके द्वारा इनके अंदर होता है और पार्श्वपाद इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल नेरिज, किटोप्टेरस और पोलिनोई। ठीक है, इतना लिख देना। अब बात करूँ वर्ग सेकेंड के बारे में, तो वर्ग सेकेंड अपना पास है ओलिगोकीटा। अब ये जो सीटियाँ होती हैं वर्ग पोलिकीटा में तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है, परंतु वर्ग ओलिगोकीटा में जो है क्या होती है, सीटियों की संख्या कम होती है और पार्श्वपाद तो इनमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पार्श्वपाद इस वर्ग के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और सीटियाँ इनके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है। सीटियाँ क्या होती है, उपस्थित होती है। वर्ग ओलिगोकीटा के अंदर जो है सदस्य आएंगे उनके अंदर पार्श्वपाद अनुपस्थित होंगे और सीटियाँ इनके अंदर क्या होगी, उपस्थित होगी। अब बात करें इनके अंदर गमन किस प्रकार होगा, फिर जो वर्ग ओलिगोकीटा संघ के सदस्य उनके अंदर गमन किस प्रकार से होगा, तो गमन इनके अंदर पेशियों के द्वारा भी अपन को देखने को मिलेगा और जो द्रव स्थैलिक क्रिया के द्वारा जो है सीटियों के द्वारा गमन होगा। द्रव स्थैलिक द्वारा जो है सीटियों से गमन इनके अंदर होगा। तो अपने बात समझ में आई कि वर्ग ओलिगोकीटिया में जो है सीटियां कम होती है किसकी बजाय, पोलिकीटा की बजाय, और इनके अंदर पार्श्व इसके जो सदस्य उनके अंदर पार्श्वपाद क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ सीटियाँ इनमें उपस्थित होंगी और गमन जो होता है इनके अंदर पेशियों एवं द्रव स्थलिक के द्वारा होगा। द्रव स्थलिक दाब जो लगता है उसके द्वारा इनके अंदर जो है गमन होता है। अब इसको अपन समझें तो अपन ने देखा होगा कि कैचुआ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से जो है कैचुआ होता है। अब इनके अंदर गमन जो है, अब देखो एग्जाम्पल में लिखा है फेटेरिमा अर्थात भारतीय केचुआ, लुम्ब्रिकस यानी यूरोपीय केचुआ। अब अगर एग्जाम में आ जाए फेटेरिमा जो है इसके अंदर गमन किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जो अपन को करने हैं। ये जो केचुआ है इसके अंदर कैसा गमन होगा, पेशीय गमन होगा और द्रव स्थलिक दाब द्वारा होगा। कैसा होगा, पेशीय गमन होगा, द्रव स्थलिक दाब द्वारा होगा। सीटियां इनके अंदर जो है इस केचुए के अंदर क्या होगी, उपस्थित होंगी, ध्यान रखना, और पार्श्वपाद इनके अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर, वर्ग ओलिगोकीटा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूं वर्ग हिरुडीनिया जिसके अंदर आती है अपने जोंक। बारिश का मौसम होता है उसमें आपने देखा होगा जोंक को,
और अगर नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च मारो और जोंक का डायग्राम आपको देखना है। अब वो जो जोंक होती है उसको देखना, खैर जब बचपन में छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जोंक के ऊपर नमक डालते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पिघलने लगती है, उसके ऊपर से एक लार जो होती है वो स्त्रावित होने लगती है। तो वो जोंक जो है वो किस संघ के अंदर आती है, संघ एनेलिडा के अंतर्गत आती है, और इसके अंदर भी कौन से वर्ग में आएगी, हिरुडीनिया नामक वर्ग में आएगी। अब इसके अंदर जो है हिरुडीनिया जो है इसके अंदर देखो पार्श्वपाद आप जोंक को देखना, उसमें किसी प्रकार का पाद आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये हिरुडीनिया का मतलब ही क्या होता है, सामान्य जोंक होती है, ध्यान रखना क्या होता है, सामान्य जोंक होती है जिसका नाम होता है हिरुडीनेरिया। अब जो हिरुडीनेरिया है इसके जो है मुख में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हिरुडीनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, हिरुडीनिया कहते हैं, एक विशेष प्रकार का जो है तरल पदार्थ जो है इसके मुख से निकलता है, और वो जो तरल पदार्थ है वो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। इसी वजह से ये जो जोंक होती है, ये जैसे कोई ये एनिमल है, ठीक है, तो इसके जैसे ये बॉडी पर यहाँ पर लग गई जोंक, तो इसके जो अगला जो चूसक पदार्थ होते हैं, इसके जो मुख होते हैं वहाँ से एक द्रव स्त्रावित करती है जिसका नाम इरिडिना होता है, और ये द्रव जो है इसके इसके शरीर के अंदर छिद्र करके ये जोंक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है, वर्ग हिरुडीनिया में आती है जोंक, और इसका नाम हिरुडीनेरिया है, इस जोंक का नाम, जो अपन जोंक बोलते हैं, जोंक अपने ने देखी भी होगी बारिश के मौसम में। तो इनके अंदर क्या होता है, पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, पार्श्वपाद अनुपस्थित होते हैं, और इनके अंदर सीटियां भी अनुपस्थित होती है, सीटी भी अनुपस्थित होती है उस, और पार्श्वपाद भी अनुपस्थित होते हैं। बात करूं जोंक के अंदर आप देखना, पार्श्वपाद भी नहीं होंगे और सीटियां भी इनके अंदर अनुपस्थित होती है, बाकी सीटियां आपको दिखाई नहीं देगी। और नेक्स्ट इसका एक उदाहरण अपन ने ये देखा, दूसरा उदाहरण है एकेंटोबडीला जो है ये यूरोपियन जैसे एक कैचवा है, इस तरीके से ये भी क्या है, जोंक होती है। नेक्स्ट अपना लास्ट जो वर्ग है वो है ओर्की एनेलिडा जो है इसके अंदर पार्श्वपाद भी अनुपस्थित होंगे और इनके अंदर सीटियां भी अनुपस्थित होंगी, और ये अपन को प्रेजेंट में देखने को भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जीवाश्मों के रूप में अपन को जो है प्राप्त होते हैं, और जीवाश्म भी कैसे, जीवित जीवाश्म होते हैं, कैसे होते हैं, जीवित जीवाश्म होते हैं। और इस तरीके से जो है संघ एनेलिडा का क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं, जिसमें सीटी के आधार पर जो है इनको चार वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्ग पॉलीकीटा, वर्ग ओलिगोकीटा, वर्ग हिरुडीनिया और वर्ग आर्की एनेलिडा, ठीक है। और इन चारों वर्गों में अपन ने देखे पार्श्वपाद इसमें उपस्थित होते हैं, ओलिगोकीटा में अनुपस्थित होते हैं, हिरुडीनिया में अनुपस्थित होते हैं, और आर्की एनेलिडा में अनुपस्थित होते हैं। फिर बात करूं मैं, सीटियां वर्ग पॉलीकीटा में उपस्थित होती हैं, जो कि किस पे होती हैं, पैरोपीडिया पे होती हैं, और इसमें सीटियां उपस्थित होती हैं, परंतु जो ओलिगोकीटा है उनसे जो सॉरी ये पॉलीकीटा है इनसे क्या होती है, कम होती हैं, इनके अंदर सीटियां अनुपस्थित होती हैं, इनमें भी क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। गमन इनके अंदर अपन ने देखा पैरापोडिया पर सीटियों जो होती हैं इनके द्वारा इनमें क्या होता है, गमन होता है, इनके अंदर गमन जो है पेशियों के द्वारा द्रव स्थलिक दाब से होता है, इनके अंदर जो है गमन पेशियों द्वारा जो है देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑर्किड एनेलिडा, इनमें क्या होता है, ये तो खैर जीवित जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं और पेशियों के द्वारा ही उनमें गमन अपन को देखने को मिलेगा। यहाँ पर केचुए के बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए और नेरिज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वर्ग एनेलिडा के जो आर्थिक महत्व हैं वो किस प्रकार से हैं, और वर्ग एनेलिडा जो है इसका आर्थिक महत्व क्या है, सबसे ज़्यादा कृषि में देखने को मिलता है, ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ। और वर्ग एनेलिडा का जो है महत्व सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है,
कृषि में देखने को मिलता है। अब कृषि में कौन सा जो है एनेलिडा संघ का सदस्य है, कौन सा जीव है जो कि कृषि के रूप में लाभदायक होता है, तो अपन ने नाम सुना केचुआ। अब अपन पढ़ेंगे केचुए के बारे में, ये किस प्रकार से जो है कृषि के लिए काम आता है और किस प्रकार से इसकी जो है क्रियाएं होती है, ये अपन यहाँ पर देखेंगे। केचुआ जो होता है ये सबसे ज़्यादा इसका महत्व होता है कृषि के अंदर, किसके अंदर, कृषि के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो है संघ एनेलिडा के आर्थिक महत्व जो अपन देख रहे हैं उनमें पहला है खेती, और खेती में कौन सा केचुआ जो है सर्वाधिक अपने उपयोग में आता है। अब केचुआ के बारे में बहुत कुछ है जो कि तुम सबको भी आता है, क्योंकि अपन ने ये 11th क्लास में भी पढ़ा है और 12th क्लास के अंदर भी इसके बारे में आता है, 9th क्लास में भी केचुए के बारे में आता है। तो इस वजह से इसका अपन को पढ़ना है। कृषि में देखो ये कृषि किसान का मित्र कहलाता है, केचुआ क्या होता है, किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि ये क्या करता है, भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। और इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है कृषि के बारे में है वो अपन किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर देखेंगे केचुए के बारे में। बाकी ये तो आपको आता है, इसके अंदर ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। अपन बात करें मछली पकड़ने के अंदर जो है इनका उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के द्वारा इनको जो है मछली पकड़ने में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई इंसान मछली पकड़ते हैं, वीडियोज देखा होगा आपने, तो एक वो होती है कुछ इस तरीके से जिसमें से एक डोरी होती है जो कि पानी में डालते हैं वो, और फिर उसको पहरते हैं तो वो डोरी खींचने लगती है, इसमें इकट्ठी होने लगती है। तो उसके अंदर जो कांटा लगा हुआ होता है उसके अंदर आगे क्या करते हैं वो केचुए को लगा देते हैं और फिर उसको जो है पानी में डालते हैं। मछली अब केचुए को खाती है, अब मछली उसको जैसे ही खाएगी और वो जो कांटा है उस मछली के मुंह में फंस जाएगा, और फिर जैसे ही उसको अनुभव होने लगा कि हाँ इसके अंदर कुछ फंसा है, तो वो उसको जल्दी जल्दी इकट्ठा करके निकाल लेगा। इस तरीके से मछली पकड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट औषधीय रूप में देखो, भारत के अंदर गाठिया नामक रोग होता है जो कि बुड्ढों के अंदर देखने को मिलता है ज़्यादातर। वो बोलते हैं कि मेरे क्या हो गई, बाई आ गई, क्योंकि वो एक बार बैठ जाते तो उठा नहीं जाता, और इस स्थिति में आप टेंशन मतलब आप भी जाओगे, क्योंकि आप जो वर्तमान में फास्ट फूडों का सेवन कर रहे हो, जो अड़ंग बड़ंग चीज़ें आप खा रहे हो, उनसे आखिरी जो आपका परिणाम जो निकल के आएगा वो यही आएगा कि एक बार बैठ जाओगे तो उठा नहीं जाएगा, या फिर ये जो है ना ये रहेगी ये खाने से, और ये अगले 10 सालों में आप जो ये खाते हो फास्ट फूड बर्गर ये पतासी वगैरह ये जितना भी खाते हो ना, इनका साइड इफ़ेक्ट आपको 5 या 10 साल के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो खाया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो औषधियाँ बनाने के लिए भी जो है भारत में इनका उपयोग किया जाता है संघ एनेलिडा संघ के सदस्यों का। नेक्स्ट प्रयोगशाला अध्ययन के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि संघ एनेलिडा संघ के सदस्य ऐसे हैं जिनको अपन आराम से पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, जैसे कि केचुआ देख लो। तो जो जीव विज्ञान के अंदर जो है अध्ययन करते विद्यार्थी होते हैं वो इनके अध्ययन के लिए इनको उपयोग में लेते हैं। आहार, तो देखो भाई ये तो आहार तो खैर आजकल ये मान लो सारे ही संघ हैं ना, उनके जीव मिल जाए ना चीन वालों को तो उनका भी आहार कर लेंगे, वो कुछ भी ना छोड़े। तो आहार के रूप में चीन में केंचुए को खाया जाता है, आहार के रूप में चीन में क्या केंचुए को खाया जाता है, ठीक है। तो अपन को तो खैर चीन की तरह नहीं बनना है, जो जो मिले वही खा लें, क्योंकि अपने देश में जो है गेहूं का उत्पादन नंबर 1 पे हो रहा है विश्व में, हालांकि चीन में है गेहूं का उत्पादन, बाकी अपने देश में भी नंबर 1 है, हो जाएगा जैसे जनसंख्या में निकाल दिया नंबर 1 पे है भारत देश, उसी प्रकार से अपने तो काफ़ी गेहूं है,
और खाने की चीज़ें हैं ना वो खाओ। ये यार केंचुए को पकड़ के खा रहे हैं, यहाँ पर बच्चों को अगर बारिश में जोंक और केंचुए दिख जाते हैं तो वो ऐसे करते हैं, मम्मी जी ये तो छी गंदगी है कितनी, और ये इसको खा रहे हैं, देख लो आप कैसे कैसे लोग हैं यार, है ना। अब देखो, अब अपन बात करेंगे संघ एनेलिडा संघ के सदस्य हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, कि इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके कंप्लीट होने के बाद में जो है अपने ओनली फॉर 3 संघ बचेंगे जिनको अपन को करना है। इससे क्वेश्चन तो खैर आपके ज़्यादा नहीं बनते, बाकी आपके एक तो केंचुए के बारे में आपको पढ़ना है और एक नेरिज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैं क्वेश्चन लिख दूँ आपके यहाँ पर, केंचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। अब ये देखो, मैंने आपको ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से जो है कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बना बना के रखे हैं, उन क्वेश्चनों को ज़रूर आपको जो है क्लियर करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके जैसे यहाँ से पूछा गया है, एक क्वेश्चन आया है आपके कि जो संघ है आपका ये एनेलिडा, यहाँ से पूछा गया है कि एनेलिडा संघ का वर्गीकरण कीजिए। इस तरीके से इसके वर्गीकरण कुल मिला के मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद है कि आपको एनेलिडा के क्लासिफिकेशन के बारे में याद कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनेलिडा शब्द किसने दिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके जो है इसके महत्वपूर्ण तीन लक्षण आपको लिखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर है, जैसे कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है आपके, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, और ये आपके वही 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। बहुत नॉर्मल सरल क्वेश्चन है जो अपन बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्गीकरण ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो किसी भी तरीके से कैसे भी अगर एनेलिडा से क्वेश्चन आए तो अपन को वो राइट करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है आपके एनेलिडा संघ का जो है विस्तृत अध्ययन। अब अपन जो है अगली क्लास के अंदर बात करेंगे, इससे अगला संघ है अपना ऑर्थोपोडा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपना रह जाएगा मोलस्का, और मोलस्का के बाद में अपना लास्ट रह जाएगा इकाइनोडर्मेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए संघ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।